अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कांश, अमरूद खरीदने वालों का भी ना अंदाज बड़ा निराला होता है। मतलब जब खरीदते हैं तो पूछते हैं भाई मीठा है, और जब खाते हैं तो नमक लगाकर। बहरहाल तुम इसे ऐसे ही खाओ बिना नमक लगा के। अरे अपने ही बगीचे का है, खाओ। नहीं भाई आप खाइए, मैंने अमरूद खाना छोड़ दिया है। जिस फल का भाई दीवाना है उसकी जड़ में बड़ा खजाना है। साल में दो बार फलता है, गरीबों का ये सेब कहलाता है। कहीं बाहर लगे अमरूद के पेड़ के नीचे कोई रास तो नहीं छुपा, जाके देखना होगा। ये सही मौका है पलक की मौत की सच्चाई जानने का। ये महक फिर कहाँ चली गई? सुनीता जी। हाँ? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और वैसे भी सुबह मुझे निकलना ही है, तो मैं क्या अपने कमरे में जाकर आराम कर लूँ? आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। जी आ रही हूँ बेटा। आपने कुछ खाया ना? हाँ। आइए। जिस फल का भाई दीवाना है उसकी जड़ में बड़ा खजाना है। साल में दो बार फलता है, गरीबों का ये सेब कहलाता है। ध्रुव भैया ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया? ये
पलक का मंगलसूत्र है। हत्या करने का तरीका बता रहा है कि मारने वाले की मंशा पलक का मंगलसूत्र और गहने चुराने का नहीं था, बल्कि वो उनको प्रताड़ित करके ही मारना चाहता था। मिसेज अग्निवंशी को मारने के लिए इस तरह के चाकू का प्रयोग किया है। उसकी मौत कैसे हुई? एक हादसे में। पलक का मंगलसूत्र और ये कंजन, इनका साथ में यहां मिलना मतलब कहीं सर ने तो पलक खूनी के पलक यहां रही थी, वो यूएस में रहती थी और वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अभी आई। हाँ, एकांश कैसे लगी चोट बेटा? खून बह रहा है, क्या हुआ? दिल के जो जख्म है उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैं कांश वो लाल जुड़े में कोई लड़की है, इनमें से कोई हो सकती है क्या? कोई हो भी सकता है और शायद कोई ना भी हो। एकांश यहाँ पर तो सब पर मेरी नजर थी और यहाँ से कोई हिला तक नहीं, ना जयंती दीदी, ना मीना, ना रानी, ना त्रिशा, सब यहीं पर थी। मैं कहाँ हूँ? मैंने चौटाला से कहा था उस पर नजर रखने के लिए, मुझे लगता है कि उसकी नजर कमजोर होती जा रही है। पता नहीं कहाँ है ये लड़की, पता नहीं अब कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगी। मेरा पूरा प्लान सेट था, लेकिन महक का ये सो कॉल्ड सच को ढूंढने की खोज के चक्कर में सब कुछ खराब होता जा रहा है। पहली बार चाहती थी कि मेरा शक गलत साबित हो, पर इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। कैसे जाऊं मैं सबके साथ, कैसे लाऊं चेहरे पर झूठी मुस्कान जब दिल में खुशी की जगह सिर्फ और सिर्फ दर्द है। महक, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां तुम्हें सब ढूंढ रहे हो और तुम ठीक हो ना? बहुत थकी हुई लग रही हो। वेटर, काफी गर्मी है। थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया, वरना गर्मी में तो मैं मर ही जाती। महक, ये तुम्हारे पल्लू में क्या है, दिखाओ। त्रिशा, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज यहां से जाओ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? भैया आप प्लीज जाइए। ग्लास में। ओ या। महक, महक अब तो तुम धमाल ही करोगी। मैंने कहा था ना, आज की रात होगी तूफानी रात, क्योंकि मेरा नाम है त्रिशा, मैं ना छोड़ू किसी का पीछा। कौन है वहां पर? कौन है? हेलो, मैं इस घर की छोटी बहू। अरे अभी तो एकांश अग्निवंशी मेरे पति ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया था।
मैं भी ना पागल हूँ, दूसरी बार अपना इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। आप लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे? मैं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई हूं। मैं पहाड़ों में रहती थी। मसूरी, हमारे वहां ना रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन इंसान उतने ही सीधे, पहाड़ों जितना बड़ा हमारा दिल भी होता है। लेकिन आप लोग, आप सबके सिर्फ बड़े घर, बड़े बंगले और बड़ी गाड़ियां, लेकिन दिल इतने छोटे 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 छोटे। मैक, बस वो तो क्या? नहीं सर, आज मुझे बोलने दीजिए, बड़ा दर्द है दिल में, हल्का कर लेने दीजिए। और देखिए, सुनने वाले भी सब यही। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मसूरी। हर छोटे शहर की लड़की की तरफ मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं भी सोचती थी कि एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा। और फिर सर आ गए। मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। महक, प्लीज चलो। अरे नहीं नहीं अभी रुको, मुझे बहुत बोल रहा है। बड़ा घर, इतने सारे लोग, सारे ऐश्वर्य सब है यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए। पर मैं खुश नहीं। जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ में अपनी इज्जत भी जा रही है। करना क्या चाहती है पागल लड़की? त्रिशा, इस लड़की को क्या हो गया? कुछ नहीं दी, बस एक वोट का शॉट का असर है। क्या करने पर तुली है ये लड़की? नशे में है क्या? मीडिया के सामने फिर वही तमाशा बन रहा है जो सालों पहले बना था। क्योंकि मुझे किसी ने धोखा दिया। किसने दिया है मुझे धोखा? ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की तो पूरे अग्निवंशी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। क्या देखकर पसंद किया है सुनीता जी ने? हर मर्यादा पार कर रही है ये लड़की तो। पता है मुझे किसने धोखा दिया? मेरे पति। अपने झूठे प्यार के नकाब के पीछे अपना सबसे गहरा राज छुपा रहे थे। हमें सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, पति की पूजा करो, पर परमेश्वर तो धोखा नहीं देते, परमेश्वर तो राज नहीं छुपाते, वो तो प्यार और परवाह का नाटक नहीं करते। फिर मेरा पति तो पति ही रह गया, वो कैसे परमेश्वर हुआ? मैं कैसे करूं उसकी पूजा? कैसे मान लूं उसे परमेश्वर? सर, प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए, चले जाइए। इतने रात, इतना जो आप इंसान है या पहेली?
कंधे बड़े मजबूत हैं आपके, हर गिरती हुई चीज संभाल लेते। तभी तभी हमारे कमजोर रिश्ते को संभाल रखा है। बस किसी तरह गिरने नहीं दे रहे। ये सब क्या हो रहा है मैक? बंद करो। हाँ, बड़ी परवाह हो रही है मेरी। इसी तरह अपनी पहली बीवी की भी परवाह करते थे। महक, कितना मजाक कर रही हो। बहुत मजाक किया है हमारी बहू। देर हो गई है बहुत, तो आप लोग खाना खाए बगैर जाइएगा मत। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अरे अरे माँ, ऐसे कैसे? मेरी शादी का सेलिब्रेशन, मुंह मीठा कराए बिना नहीं जाने दूंगी। रुकिए रुकिए रुकिए, डरिए मत, मैं इससे किसी का गला नहीं काटूंगी। लगता है पता चल ही गया इसे। मैक, बस दाग दर दो। क्या हुआ? मेरे हाथ से केक तो खा ही सकते हैं ना। बस मैक, मुझे नहीं पता ये सब तुम क्यों कर रही हो, लेकिन अब ये नाटक बंद करो। I'm really sorry guys, वो मेरी पत्नी अभी होश में नहीं है, तो आप लोग कोई भी बात सीरियसली मत लीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग। लेकर आए ना, अपने अपनी पहली बीवी को मारा था ना, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, आप मुझे भी मार देंगे ना? बताइए ना, आपने आपने अपनी पहली बीवी का खून किया था, मुझे आप मार देंगे ना? अपनी पहली बीवी का खून। मैं मुझे वापस जाना कर।
मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, सिर्फ तड़पाऊंगा। हमारी शादी कोई बंधन नहीं, एक बाजी है। और इस बाजी को जीतना मेरा मकसद नहीं, मेरा जुनून है। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारा दिल भी जीतूंगा और अपने इश्क की बाजी भी। लेकिन अफसोस, इस खेल में मुझे जो भी हासिल हो, तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा।